हे गाइस, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टैग एफसी में। आप टैग एफसी पर हमें इतना प्यार देते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपके पास सभी गैजेट्स की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पांच ऐसे स्मार्टफोन जो कि 2019 में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं, जो कि सच में कमाल के हैं। और इन सभी फोन्स की कीमत आपको पूरी वीडियो देखने पर जरूर पता चल जाएगी। तो रिलैक्स होकर बैठिए, प्लीज बैठिए और इस शानदार फोन वाली वीडियो को एंजॉय कीजिए। गाइस, वीडियो की शुरुआत करूंगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन से। सैमसंग के गैलेक्सी मोबाइल को निकले हुए 10 साल हो चुके हैं, उसी के बाद आज यह सैमसंग गैलेक्सी ब्रांड का फोल्डेबल स्मार्टफोन बेहद आकर्षक है, क्योंकि यह फोल्ड होकर एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह हो जाता है। और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यह बड़े से टैबलेट की तरह दिखता है और इसकी स्क्रीन पूरी मूवेबल है, यानी कि फोल्ड होने के बाद भी यह बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाने के बाद आप इसे खोलकर ही चला पाएंगे, आप इसकी फोल्ड वाली स्थिति में भी बाहर की तरफ एक डिस्प्ले देख सकते हैं और जिस पे आप बढ़िया तरीके से इसे चला पाएंगे। इसका 7.3 इंच का सुपर एमोल्ड इन्फिनिटी फ्लैक्स डिस्प्ले है। तो अब आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से अपने मोबाइल फोन को फोल्ड करके या अनफोल्ड करके यूज कीजिए। यह अभी मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है। नंबर 4, नोकिया 9 प्योर व्यू। मोबाइल कंपनियों में नोकिया का नाम काफी पुराना है, लेकिन स्मार्टफोन आ जाने के बाद नोकिया स्मार्टफोन जरा कम ही दिखते हैं। लेकिन नोकिया का यह नया स्मार्टफोन कई सारे स्मार्टफोन को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इसमें 5 कैमरे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें 5 कैमरे हैं जो कि 12 मेगापिक्सल के हैं और सुपर डायनेमिक रेंज में पूरी डिटेल के साथ किसी भी पल को कैप्चर कर सकते हैं। इसके कैमरे में लगे ऑप्टिकल लेंस यह किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी साइज की पूरी डिटेल सिर्फ इस मोबाइल में फोटो लेने के बाद बता देगी, यानी कि अब आपको किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए नई रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, बस इसमें फोटो खींचिए और यह आपको सब कुछ बताता चला जाएगा। एक्स्ट्रा जूमिंग टेक्नोलॉजी और साथ ही इस कैमरे में आप कितनी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं यह आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा इसमें कई सारे फीचर्स हैं और ये फोन मार्केट में 9 अप्रैल 2019 तक लॉन्च हो सकता है और इसका बेस प्राइस अभी तक 50,000 रुपीज डिसाइड हो चुका है। गाइस, नंबर 3 पर आ रहे हैं लिनोवो सी प्लस। लो जी, एक और फोल्डेबल फोन। वैसे तो लिनोवो कंपनी के स्मार्टफोन ज्यादा लोग यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनके एक्सपेंसिव होने की वजह से कुछ खास होती है, क्योंकि इसमें कई सारे मल्टी फीचर्स दिए हुए होते हैं। और लिनोवो का यह मोबाइल फोल्डेबल है और इसकी स्क्रीन डिस्प्ले सब फोल्डेबल है, जो कि आपकी मूवीज और गेम खेलने या किसी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक बड़ी सी स्क्रीन प्रोवाइड करता है। और इसकी दोनों स्क्रीन पूरी अपवर्ड होने के बाद बिल्कुल यूनिक दिखती है। यह फोल्डेबल मोबाइल 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 3 GB रैम वाला है और इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन क्वाड कोर 430 है और इन सब चीज के बाद 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। तो अब क्या मजे कीजिए ना इस बड़ी सी स्क्रीन के साथ, जो कि बेहद बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। नंबर 2, Xiaomi फोल्डेबल फोन। इंडिया के मार्केट में धमाल मचाने वाली और कई सारी स्मार्ट डिवाइसेस के अच्छे खासे दाम गिराने वाली ये चाइना की कंपनी भला क्यों पीछे रहे, जब सभी कंपनीज फोल्डेबल मोबाइल फोन बनाने में लगी हुई है, तब इसने भी अपना एक बड़ी सी स्क्रीन वाला और बढ़िया क्वालिटी का एक स्मार्टफोन लॉन्च करा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक साइड से फोल्ड नहीं होता, इसे आप दो साइड से फोल्ड करने के बाद यह एक छोटे से स्मार्टफोन में बदल जाता है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्क्रीन के साथ। अब आप बड़े टैबलेट को भूल ही जाइए, क्योंकि यह स्मार्ट फोल्डेबल फोन उससे भी अच्छा काम करने वाला है। अब आप अपने फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग कीजिए एक बड़ी स्क्रीन में इस फोल्डेबल टैबलेट या स्मार्ट डिवाइस के साथ और इसकी बड़ी सी डिस्प्ले के साथ नई नई मूवीज के भी मजे लीजिए। नंबर 1 स्मार्टफोन पर है गैलेक्सी S10। सैमसंग कंपनी के सभी फोन यूं तो मार्केट में छाए हुए हैं, लेकिन यह फोन 5G टेक्नोलॉजी पर भी चलेगा, यानी कि आपके इंटरनेट चलाने की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। और बड़ी बड़ी कंपनी फ्यूचर को देखते हुए नए स्मार्ट डिवाइसेस को बना रही है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले डायनेमिक इन्फिनिटी डिस्प्ले है, यानी कि इस फोन के फ्रंट में पूरी स्क्रीन रहेगी और इसकी साइड में कवर्ड भी है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल इनोवेशन कैप्शन पर बेस्ड है यह स्मार्टफोन और इसकी स्क्रीन की क्वालिटी HDR10+ डायनेमिक एमोल्ड है। और फिलहाल मार्केट में चल रही डिवाइस से यह स्मार्टफोन 42% कम आपकी नाजुक आईज को नुकसान पहुंचाएगा। सिक्योरिटी के लिहाज से इसका फिंगरप्रिंट अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी वाला है। और अब कैमरे की बात करें तो इसमें बढ़िया क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है, जो कि अल्ट्रा वाइड और एडवांस सिंस ऑप्टिमाइजर क्वालिटी के साथ है। और इसका सेल्फी कैमरा भी HDR फोटोग्राफी करता है, वह भी हाई डेफिनेशन के साथ।
और वीडियो बनाते हुए चाहे आपका हाथ कितना भी हिले लेकिन वीडियो जरा भी खराब नहीं होगा क्योंकि यह सुपर मोशन को भी कैप्चर कर लेता है। और अब बार बार चार्जिंग की भी जरूरत नहीं जो कि एक तरह की बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि यह पूरे 24 घंटे तक आपका साथ देगा। इसकी बैटरी 24 घंटे तक चलती है क्योंकि इसमें स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है। इसकी मार्केट में कीमत लगभग 70,000 रुपये है जो कि मार्केट में लॉन्च हो चुका है। सो गाइस अब बारी है इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। लेकिन अगर इस चैनल पर हमारी कोई नई पब्लिक आई है तो प्लीज उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, साथ में उसके पास आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी। इससे होगा ये कि आपके पास अगला स्मार्टफोन और अगला वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।